जी दोस्तों, क्या हाल चाल? वड्यानू राम राम, छोटियानू प्यार। हाजिर हाँ तुहाडे सामने फिर तो एक बार। तो मैं आपका होस्ट और दोस्त जतिन वेलकम करता हूँ आपके इसी यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है जतिन सचदेवा व्लॉग्स। तो जैसा कि टेबल से भी आप देख सकते हो, आज मैं आया हूँ एक नई वीडियो बनाने आपके लिए, जो है फूड के ऊपर ही। और फूड कहाँ का? ये है जेल रोड, वेस्ट दिल्ली के अंदर आया हूँ। ईस्ट दिल्ली की मैंने 3-4 वीडियोज़ पहले भी डाली हैं, तो कईयों के मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आए कि वेस्ट दिल्ली को भी कवर करो। तो मैंने कहा वेस्ट दिल्ली का तो वैसे ही मेरे दिल में अलग ही जगह है, क्योंकि मेरा बचपन वेस्ट दिल्ली में बीता है और जवानी के दिन भी वेस्ट दिल्ली में बीत रहे हैं। तो कोरोना का समय चल रहा है, इस वजह से लगाया हुआ है। कहीं कहते हैं मेरे को कि आप मास्क नहीं पहनते, मास्क पहनता हूँ लेकिन वीडियो के लिए फिर उतार देता हूँ। तो ये है जेल रोड, जेल रोड के ऊपर जो आइटम की मैं वीडियो बनाने आया हूँ वो है अमृतसरी छोले कुलचे, जैसा आपको पता लग ही गया होगा वीडियो के टाइटल और थंबनेल से। तो मैंने पहले भी 2-3 वीडियोज़ इसकी बनाई हुई हैं अमृतसरी कुलचों की, जो कि एक तो अमृतसर के थे, एक थे तरन तारण के, लेकिन दिल्ली में मैंने पहली बार ही बनाने आया हूँ अमृतसरी छोले कुलचों के। तो वो भी वेस्ट दिल्ली के अंदर जेल रोड के ऊपर, तिलक नगर के बिल्कुल पास ही। ये पीछे दिखाना, ये तिलक नगर का मेट्रो स्टेशन है, ये देख सकते हो आप, बिल्कुल तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के साथ में ही है। और ये पूरा जेल रोड है, ये जेल रोड है पूरा। और शॉप का नाम है अमृतसर एक्सप्रेस। तो ये शॉप मेरे ख्याल से, मैंने बहुत बारी टेस्ट करा हुआ है इनका, तो ये नहीं मैं पहली बार ही आया हूँ खाने। तो ये शॉप मेरे ख्याल से अराउंड 3-4 साल पुरानी तो होएगी या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, बाकी जैसे मैं ओनर से पूछवाऊँगा तब आपको पता लग ही जाएगा। वेस्ट दिल्ली में और भी हैं छोले कुलचे देने वाले अमृतसरी वाले, लेकिन उनके रेट्स जो है ना उल जलूल होते हैं, मतलब 150 रुपये का एक कुलचा, 200 रुपये का एक कुलचा वो। लेकिन ये जो शॉप है, ये मेरे को पता है इनके रेट्स भी नॉमिनल हैं, टेस्ट भी लगभग अमृतसर जैसा ही है। तो चलो ओनर से मिलते हैं और दिखाता हूँ प्रिपरेशन। क्या हाल भैया? बढ़िया भैया, क्या बताओ? क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल, तो राहुल जी, ये कितनी पुरानी शॉप है आपकी? ये 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए। तो टाइमिंग क्या क्या है यहाँ के? सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। शाम के 6 बजे, हाँ जी। और कितनी तरीके के कुलचे होते हैं आपके पास? मेरे पास 5 तरह के कुलचे हैं, आलू प्याज मिक्स, पनीर गोभी, पनीर प्याज। और रेट क्या क्या हैं? आलू के 100 रुपये है, मिक्स वाला 120 है, पनीर वाला 130, 140। और ये मतलब एक प्लेट में 2 कुलचे? हाँ जी। और सिंगल लेना चाहे कोई तो सिंगल का रेट अलग है, 70 है, 60 है। अच्छा, ऐसे। और कोई दिन छुट्टी भी करते हो? नहीं मुझे छुट्टी एक दिन, जैसे ये 15 अगस्त, 26 जनवरी वगैरह आती है, छुट्टी नहीं उसमें भी कोई छुट्टी। ठीक है, तो आपका मतलब हॉट सेलिंग जो ज़्यादा बिकता है कुलचा वो कौन सा है? ज़्यादा आलू प्याज है। आलू प्याज, हाँ जी। तो मेरे लिए आलू प्याज ही लगा दो। तो ये मैं देख रहा हूँ, ये इन्होंने आलू का मिक्सचर तैयार करा है, जैसे आप भी देख सकते हो। तो मसाले क्या क्या डाले हैं वो पूछते हैं भैया से। कौन कौन इसमें? जीरा है, अजवाइन है, कस्तूरी मेथी है। अच्छा, और नमक है, लाल मिर्च है, साबुत धनिया है। देख सकते हो अब ये मतलब जो स्टफिंग होती है आलू कुलचे की वो तैयार कर रहे हैं। तो आलू प्याज का अलग बनाते हैं और आलू का अलग होता है, तो मतलब कोई बिना प्याज के भी खाना चाहे तो खा सकता है। तो ये इन्होंने मिला दिया प्याज, और ये क्या डाला है, आटा की मैदा? मिक्स है, आटा और मैदा मिक्स है। और ये भी आटा और मैदा मिक्स है, सिर्फ मैदा है? मिक्स है। तो अच्छे खासे आलू डाले गए हैं अंदर पेड़े के, तो देख सकते हो आप।
क्या है? ये घी है और ये गया तंदूर के अंदर, वो देख सकते हो। तो ये तैयार हो चुका है और ये देखो बिल्कुल सिका हुआ है, रेड ब्राउन कलर का, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या लगाते हैं। ये कौन सा बटर है भैया? अमूल का। ये गया अमूल बटर, मतलब क्वांटिटी देख रहे हो अमूल बटर की, मतलब ऐसे लग रहा है बटर कुलचे पे नहीं है, कुलचा बटर पे। अब इसको करेंगे ये चूर चूर, आवाज़ सुनो गाइस ये, और देखो फ्लेक्स भी नीचे गिरे, मतलब क्रिस्पी पूरा है। और ये क्या है? ये प्याज की चटनी होती है। प्याज और इसके अंदर ये मतलब ग्रेवी किस चीज़ की है? इसकी इमली की होती है। इमली की, इमली और प्याज की चटनी। हाँ जी। तो ये भी मतलब मिट्टी का भगोना है ये। ये आप मतलब वो स्टील के बर्तन में नहीं रखते? नहीं नहीं, खराब हो जाता है। अच्छा, स्टील के बर्तन में खराब हो जाती है। तो ये मिट्टी का भगोना रखा हुआ है, देख सकते हो आप। तो ये रही इमली प्याज की चटनी। और ये हैं इनके छोले। एक बारी कड़छी ऊपर करके दिखाना जी। ये छोले, ये सफ़ेद छोले होते हैं? हाँ जी, ये सफ़ेद छोले। ये आए छोले, मतलब छोलों की शक्ल भी बहुत बढ़िया लग रही है। बाकी टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ। ये इनका पूरा सिटिंग एरिया है, 3-4 टेबल लगी हुई हैं, तो मतलब फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी आप आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। तो ये लग चुकी है हमारी प्लेट। ये हैं छोले, मतलब छोले भी मतलब मोटे मोटे हैं। और ये है इमली प्याज की चटनी, प्याज कटा हुआ है अंदर और ये इमली की चटनी है, और अंदर लाल मिर्च के वो रेड चिली फ्लेक्स भी दिख रहे हैं, तो मिर्च वगैरह भी बनी हुई है। तो पहले छोले टेस्ट करके आपको बताता हूँ टेस्ट कैसा है इसका छोलों का। लाजवाब है, मैंने टेस्ट करा हुआ है पहले यहाँ पे, तो मेरे को पता ही है, लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ। मतलब अगर आपको अमृतसर का कुलचा मिलता जुलता जो हो खाना है दिल्ली में, तो ये सबसे बढ़िया जगह है तिलक नगर के अंदर जेल रोड पे, अमृतसर एक्सप्रेस। रिकमेंड आपको करूँगा कि ये जो चटनी देते हैं ना, ये चटनी इसके अंदर मिला के खाओ, तो आपको और ज़्यादा वो टेंगी फ्लेवर आएगा, चटपटा फ्लेवर आएगा छोलों के अंदर। तो आओ आप कुलचा टेस्ट करते हैं। कुलचे के ऊपर अमूल बटर लगा था पूरा, और ये मैंने जो कुलचा है वो लगवाया है आलू प्याज वाला। तो आओ आप टेस्ट करते हैं इसका। मतलब आपने एक बाइट ले ली ना, तो आपका मन करेगा कि बस मैं खाता जाऊं, मतलब नियत नहीं भरेगी, पेट जरूर भर जाएगा। तो ऐसा टेस्ट है, बहुत बढ़िया। आपके साथ एक बात और शेयर करता हूँ। एक टाइम ऐसा था कि मेरे को ये छोले कुलचे पसंद ही नहीं थे, मतलब बचपन के टाइम में, 4th-5th क्लास में होऊंगा तो थोड़ी बहुत यादें हैं मेरे पास जो माइंड में फिट हैं। तो मेरे रिलेटिव्स रहते हैं अमृतसर में, तो हम वहाँ पे जाते थे ना, तो अमृतसर में तो दूसरे छोले कुलचे मिलते नहीं जो दिल्ली में मिलते हैं ना, मैदे वाले, वो नहीं मिलते, यही मिलते हैं ऐसे ही। तो वहाँ पे रिलेटिव्स मंगाते थे, तो मैं रोने पिटने लग जाता था कि मैंने नहीं खाने ये, क्या ये छोले कुलचे थोड़ा है, दिल्ली वाले बुलाओ, तो वहाँ तो मिलते नहीं। तो ये चीज़ थी, लेकिन फिर पता नहीं कौन सी क्लास में मैंने ट्राई करे, तो उसके बाद अब मेरे सामने अगर ये रखे हों और दिल्ली वाले जो नॉर्मल छोले कुलचे हैं वो रखे हों, तो मैं चूज़ करूँगा इनको। वो अपनी जगह है, लेकिन दोनों के अंदर मेरे को चूज़ करना हो दोनों के अंदर, तो मैं इन्हें ही चूज़ करूँगा। तो वही टाइम टाइम की बात होती है, कभी मेरे को अच्छे नहीं लगते थे और आज मैं छोड़ता नहीं,
ये तो आज मैं वीडियो बनाने आया हूँ। वैसे भी मैं यहीं रहता हूँ वेस्ट दिल्ली में ही, जैसे मैंने कहा बचपन के दिन जवानी के दिन यहीं बीते हैं, तो मैं आता रहता हूँ खाने के लिए। तो अब हमारे साथ जो भाई आए हैं जिन्होंने अभी तक कैमरा पकड़ रखा है, तो अब उनका भी रिव्यू दिलवा देता हूँ। जैसा आपको पता है मेरे साथ जो भी आता है मैं रिव्यू दिलवाता ही दिलवाता हूँ उसका भी, ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाए कि सिर्फ मेरा टेस्ट नहीं, हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है। तो इसीलिए मैं सबका जो भी साथ में होते हैं रिव्यू दिलवा देता हूँ, ताकि हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है। मेरे को अच्छे लगे हैं ज़रूरी नहीं आपको अच्छे लगेंगे, तो इसलिए जो मेरे साथ होते हैं वो भी टेस्ट का बता देते हैं कि उनको अच्छे लगे कि नहीं, ताकि आपको ज़्यादा आइडिया पता लग जाए। आपने इनको देखा ही होगा पहले भी मेरी वीडियोज़ में, तो चलो अब टेस्ट करके बताओ, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, क्रिस्पीनेस है, करारा है एकदम, बहुत बढ़िया अमृतसरी है। आओ एक बार यहाँ पे, और सर जैसा टेस्ट अमृतसरी टेस्ट ही है बिल्कुल वैसे, सेम टू सेम टेस्ट है। इसको खाना हो जेल रोड पे आओ और टेस्ट जरूर करो। तो देखो असली तरीका ये होता है ये खाने का, ये सारी चटनी प्याज वाली जो चटनी थी प्याज वाली वो मैंने सारी मिक्स कर दी छोलों के अंदर। तो असली आपको रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप प्याज वगैरह खा लेते हो तो ऐसे मिक्स करके खाना, तो आपको ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो अब खा पी लिया है, तो आज रश इसलिए नहीं था क्योंकि जो ये वेस्ट दिल्ली है तिलक नगर जेल रोड जनकपुरी राजौरी, ये वेनसडे को छुट्टी होती है यहाँ पे, तो देख सकते हो आधी दुकानें बंद भी हैं, तो इस वजह से थोड़ा रश नहीं है मार्केट में। और ये रोड पे ही है पीछे जेल रोड है, तो पार्किंग की भी कोई समस्या नहीं है, गाड़ी ला के खड़ी कर सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं बुलेट पे आया था तो यहाँ पे पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बाय कार आओ बाय मेट्रो आओ, मेट्रो देख सकते हो तिलक नगर के बिल्कुल साथ ही है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक इस वीडियो को आपको पता ही है क्या, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। तो जैसा भाई ने कहा, तो लाइक कमेंट शेयर, वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करो, लाइक करा करो शेयर करा करो सब्सक्राइब करो। तो भाई की बात मान लो, मेरी नहीं मान रहे तो लाइक कमेंट शेयर करना आपका काम है, वीडियो बनाना मेरा काम है। तो अगर कहीं की वीडियो आपको पर्टिकुलर किसी जगह की बनवानी है तो मेरे को वो भी बता सकते हो, मैं वहाँ की भी बना दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना जहाँ मेरा दिल करता है मैं वहाँ की बना देता हूँ। तो बाकी इंस्टाग्राम फेसबुक क्या करना है आपको पता ही है, फॉलो कर लेना मेरे को दोनों जगह, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट लाइक ज़रूर करके जाया करो, कोई कमी पेशी हो तो मेरे को गाइड कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो कि ये कमी है, ताकि अगली वीडियो में मैं उसको सुधार सकूं। तो चलो तब तक के लिए जय हिंद, रब रखा।